Hello again, welcome to new video, speak English. थोड़ा थोड़ा इंग्लिश बोला करें, ईश्वर की कृपा से सब ठीक है. By God, God's grace, all are fine. सब ठीक है, all are fine. ईश्वर की कृपा से सब ठीक है. Your work is praiseworthy. आपका काम काबिले तारीफ है. Praiseworthy के मतलब है काबिले तारीफ, अच्छा काम किया है. योर वर्क इज प्रेज वर्थी. प्रोनाउंसिएशन को ठीक करें. यू आर लेट बाय हाफ एन आवर. तुम आधा घंटे लेट हो. तुम या आप आधे घंटे लेट हो, मतलब कि देर से आए हो. ही इज बट अ चाइल्ड. बच्ची ही तो है. ही इज बट ए चाइल्ड. कोई मिसचीफ कर देता है, बच्चे कोई गलती कर देता है तो. इज़ दिस ट्रेन मेंट फॉर दिल्ली. क्या यह ट्रेन दिल्ली के लिए है? इज़ दिस ट्रेन मेंट फॉर दिल्ली. क्या ये ट्रेन दिल्ली के लिए? ही इज़ नीदर गुड नॉर वर्स. वह न अच्छा है और न बुरा. वह न अच्छा है और न बुरा. ही इज नीदर गुड नॉर वर्स. हु इज टू ब्लेम. किसका दोष है? किसका दोष है मतलब कि किसी गलती है. यह सुनी सुनाई बात है. दिस इज ए हेयर से. हेयर से सुनी सुनाई बात. What dishes are cooked today? आज कौन से पकवान बन रहे हैं, मतलब कौन सा खाना बन रहा है. What dishes are cooked today? Especially some occasions talk about. That was not my intention at all. मेरा यह इरादा बिल्कुल नहीं था. मेरा यह इरादा बिल्कुल नहीं था. That was not my intention at all. How is that possible? यह कैसे मुमकिन है? Possible मतलब मुमकिन है. How is that possible? This goes on between friends. दोस्तों के बीच में यह चलता रहता है. This goes on between friends. मजाक मस्ती होती है ना. Goes on between friends. Why are you asking? तुम क्या पूछ रहे हो? Why are you asking? तुम या आप क्या पूछ रहे हो? स्पीकर पर लगाओ. पुट इट ऑन द स्पीकर. टॉक अबाउट द ऑन द फोन और वट एवर सॉन्ग्स समबडी हियरिंग. मैं भी कोई कहने की बात है, ये भी कोई कहने की बात है. देर इज नो नीड टू मैंशन इट. कहने की बात. देर इज नो नीड टू मैंशन इट. प्लीज सेव मी From these ruffians. Please मुझे उन गुंडों से बचा लीजिए. Ruffians, गुंडे, हरामियों. Save me from these ruffians. He is regaining consciousness. उसे होश आ रहा है. He is regaining consciousness. मतलब जो बेहोश हुआ उसे होश आ रहा है. दिस वॉन्ट वर्क हियर. ये यहाँ नहीं चलेगा. कुछ भी नहीं चलेगा. दादागिरी, बहस, जो भी हो. वी डिसाइडेड वी वुडंट डू इट अगेन. हमने फैसला किया था कि हम यह दोबारा नहीं करेंगे. वी डिसाइडेड वी वुडंट डू इट अगेन. Practice with somebody, that's how you learn. His intentions are not good. उसके इरादे सही नहीं हैं. His intentions are not good. He's talking about a stranger or somebody like that. Who are not familiar. This hospital remains open 24 hours. यह अस्पताल 24 घंटे खुला रहता है. This hospital remains open 24 hours. ये कॉमन सेंटेंसेस हैं.
प्रैक्टिस करना बनता है. ही स्टिल लिव्स इन दैट हाउस. वह अभी तक उसी घर में रहता है. ही स्टिल लिव्स इन दैट हाउस. वह हमेशा मुझे परेशान करता. ही ऑलवेज बग्स मी. ही ऑलवेज बग्स मी. बग्स मतलब परेशान करना, इरिटेट करना. आई शुडंट हैव लिसन्ड टू यू. मुझे तुम्हारी बात नहीं सुननी चाहिए थी. आई शुडंट हैव लिसन्ड यू. आई हैव सीन हर समवेयर. मैंने इसे कहीं देखा है. आई हैव सीन हर समवेयर. मैंने इसे कहीं देखा है. दिस मैंगो इज रोटन. यह आम सड़ा हुआ है. दिस मैंगो इज रोटन. यह आम सड़ा हुआ है. पुलिस घर पे क्यों आई थी. पुलिस घर पे क्यों आई थी. व्हाई डिड द कॉप्स केम होम. पुलिस घर पे क्यों आई थी. व्हाट इट कॉल देम एट 9 AM टुमोरो. उन्हें कल सुबह 9 बजे बुला लो. कॉल देम एट 9 AM टुमोरो. प्रोनाउंसिएशन शुड बी क्लियर होने चाहिए. और वॉश योर हैंड्स. द फूड इज रेडी. अपने हाथ धो लो. खाना तैयार है. अपने हाथ धो लो. वॉश योर हैंड्स. द फूड इज रेडी. Why don't you get it? तेरी समझ में क्यों नहीं आ रहा. Why don't you get it? कई लोग समझते ही नहीं है. तो उनके लिए ये सेंटेंस है. Never talk to me in this tone again. दोबारा कभी मुझसे इस लहजे से बात मत करना. दोबारा कभी मुझसे इस लहजे से बात मत करना. मतलब इस तरीके से. डू यू नो द रोड दैट लीड्स टू द टेम्पल. क्या आप उस रोड को जानते हैं जो मंदिर की ओर जाता है. डू यू नो द रोड दैट लीड्स टू द टेम्पल. प्रोनाउंसिएशन में बोलने में कॉन्फिडेंस. प्रैक्टिस फिर चल आ जाएगा. यू हैड एन एक्सीडेंट दैट इज वाई वी ब्रॉट यू हियर. तुम्हारे एक्सीडेंट हो गया था इसीलिए हम तुम्हें यहाँ ले आए. यू हैड एन एक्सीडेंट दैट इज वाई वी ब्रॉट यू हियर. समथिंग मस्ट हैव हैपेंड. कुछ तो जरूर हुआ है. दिमाग में कुछ आता है ना. कहीं कुछ हुआ है. कहीं कुछ हो रहा है अपने के साथ या कहीं भी. तो उसके लिए सेंटेंस है. ही वर्क्स मोर देन यू डू. वह तुमसे ज़्यादा काम करता है. वह तुमसे ज़्यादा काम करता है. ही वर्क्स मोर देन यू डू. आप मेरी बात क्यों काटते हैं. वाई डू यू कॉन्ट्राडिक्ट मी. आप मेरी बात क्यों काटते हैं. कॉन्ट्राडिक्ट मी. कॉन्ट्राडिक्ट. He boasts too much. वह बहुत गप मारता है. गप मारता है मतलब झूठ बोलता है. अपने बारे में बड़ाई बहुत मारता है. मैं ही सब कुछ हूँ. मुझे ही सब आता है. He always tries to do this best. वह हमेशा अच्छा करने की कोशिश करते हैं. He always tries to do his best. वह हमेशा अच्छा करने की कोशिश करता है. What new force is this? यह क्या नया हंगामा है. What new force is this? यह क्या हंगामा है भाई. What is new this force? Do you play cricket? क्या तुम क्रिकेट खेलते हो. अगर यंग है तो उनसे पूछा करो. Do you play cricket? He does not believe in ghost. वह भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता है और करना भी नहीं चाहिए. ही डज नॉट बिलीव इन गोस्ट.
द पेन इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, वह कलम सही काम नहीं कर रही है। वह कलम मतलब पेन सही काम नहीं कर रही, मतलब लिखती नहीं है, रुक रुक के लिखती होगी। पेन इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। आई डोंट केयर वेदर यू स्टे और लीव, मुझे कोई परवाह नहीं है, नहीं चाहे तुम जाओ या रुको। कोई मुझे परवाह नहीं, चाहे तुम जाओ और रुको। आई डोंट केयर वेदर यू स्टे और लीव। I don't want to see your face. मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता। मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता। I don't want to see your face again. हम किसी को पसंद नहीं करते तो इसके बारे में ये बोलते हैं। Does anyone of you know anything about it? क्या तुम में से कोई इसके बारे में कुछ जानता है? Does anyone of you know anything about it? This fan is useless. ये पंखा किसी काम का नहीं है। यह पंखा किसी काम का नहीं है, कोई चीज काम नहीं करती है या उसके लिए। The fan is blowing hot है। पंखा हमेशा हवा, गर्म हवा दे रहा है। अब गर्म में तो गर्म हवा ही होगी। This fan is blowing hot air. The fan is too noisy. पंखा बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है। पुराना पंखा हमेशा आवाज़ करता है। The fan is too noisy. वह पंखा बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है। How much does a new fan cost? नया पंखा कितने का आता है? कितने रुपए का आता है? How much does a new fan cost? Everyone will get a chance. और हर एक को मौका मिलेगा। ये किसी प्रोग्राम की बात होगी। Everyone will get a chance. Switch on the fan. पंखा चला दो। पंखा चला दो। Switch off the fan. पंखा बंद करो। Keep the fan on. पंखा चलते रहने दो। पंखा चलते रहने दो। ये जो कॉमन सेंटेंसेस हैं जो हम डेली यूजेस करते हैं। पंखा बहुत धीरे चल रहा है। द फैन इज सो स्लो। द फैन इज सो स्लो। पंखा बहुत धीरे चल रहा है। आप पैसे में दूंगा? टुडे आई विल पे। आज पैसे मैं दूंगा। जल्दी करो, हरी अप। कहीं जाना हो तो बोलेंगे भाई हरी अप, चलो चलो चलो, हरी अप। आई डोंट वॉन्ट दिस। मुझे यह नहीं चाहिए। आई एम नॉट श्योर। मैं पक्का नहीं कह सकता। कोई पूछता है तो बता सकते हैं कि भाई आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। इसमें अबाउट दिस तो नहीं लिखा है। सब तैयार है, एवरीथिंग इज रेडी। कोई पूछेगा भाई हाँ तैयार है? हाँ, एवरीथिंग इज रेडी, सब तैयार है। क्या आपने सुना? डिड यू हियर? आपने सुना हमने क्या कहा? डिड यू हियर? टेक इट आउटसाइड, उसे बाहर ले जाओ। बच्चों को बच्चे तो बाहर उसको खिलाओ, उसे बाहर ले जाओ। ग्रेट आइडिया, बहुत बढ़िया विचार है। ग्रेट आइडिया, विचारों की बात चली। आप कहाँ से हैं? वेयर आर यू फ्रॉम? अजनबी से बात करते हुए ये सेंटेंस यूज होता है, वेयर आर यू फ्रॉम। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए और बोलने की प्रैक्टिस किया कीजिए प्लीज़।